तो आज की इस वीडियो में गाइज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इस लकी वन ब्लॉक के ऊपर। एंड ये लकी वन ब्लॉक जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि ये हमारी किस्मत पे काम करता है, यानी कि हमें कुछ ही टाइम में मालामाल बना सकता है, बट जब इसका मन किया ये हमें मार भी सकता है। यानी कि देखा जाए तो ये हमें कुछ ही मिनटों में अंबानी बना सकता है एंड कुछ ही मिनटों में अदानी भी। इस लकी वन ब्लॉक पे रह के मेरे कुछ गोल्स भी होने वाले है, जहाँ पे सबसे पहले मुझे डिफीट करना है एंडर ड्रैगन को, अपने लिए खूबसूरत सा बेस बिल्ड करना है, एंड लास्ट गाइज मुझे इन लकी ब्लॉक की हेल्प से बिल्ड करना है एक बढ़िया सा टेम्पल। तो क्या मैं इस लकी वन ब्लॉक पे रह के अपने 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा या उससे पहले ही मैं मर जाऊंगा, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अभी तक अगर आपने हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, जल्दी वहाँ पे अपना टॉक शो होने वाला है, जहाँ पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, आप लोग मेरे साथ खेल सकते हैं और भी हम मस्ती मजाक कर सकते हैं। तो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस डे वन को मैं स्पॉन हो चुका था इस लकी वन ब्लॉक के ऊपर, एंड आजू बाजू मेरे यहाँ पे बेडरॉक का प्लेटफॉर्म था ताकि मैं गिर ना जाऊँ। साथ ही मुझे यहाँ पे एक बुक मिली थी जिसके अंदर लिखा था कि हमें यहाँ पे 10 कोबलस्टोन दिए गए हैं, ताकि हम उन 10 कोबलस्टोन की से 10 ब्लॉक दूर जाके लकी ब्लॉक को माइन कर सके, वरना तो भाई आते ही खत्म। एंड साथ ही गाइस इन्होंने भीख में हमें 16 ब्रेड, एक स्टोन की पिकैक्स, कुछ सैपलिंग एंड कुछ डर्ट दे दी थी। सो उन कोबलस्टोन की हेल्प से मैं पीछे की तरफ 10 ब्लॉक बिल्ड कर लेता हूँ, एंड वहीं पे कुछ डर्ट प्लेस करके मैं वहाँ पे साथ ही कुछ सैपलिंग्स को भी प्लांट कर देता हूँ, ताकि हमें लगी हाथ लकड़ियां भी मिल सके। एंड फाइनली अब बारी आ चुकी थी अपने लकी ब्लॉक को माइन करने की। एंड पहले लकी ब्लॉक को माइन करते गए मुझे यहाँ पे एक हीरो ट्राइडेंट मिल चुका था, जिसपे काफी तगड़े एन्चेंटमेंट थी। नेक्स्ट माइन करने पे मुझे कुछ फालतू सा खाना मिल जाता है, एंड उसके बाद माइन करने पे लिटरली मुझे यहाँ पे कुछ एंडर पर्ल एंड आई एफ एंडर मिल जाती है, बट भाई साहब एक आई एफ एंडर को छोड़ के बाकी सारे आई एफ एंडर नीचे की तरफ ही गिर जाती है। चीटिंग करता है तू। एंड नेक्स्ट लकी ब्लॉक को माइन करने पे गाइस यहाँ पे काफी सारे टेम डॉग्स आ जाते हैं, बट उसमें से सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सारे नीचे गिर के मर जाते हैं। सो इस वाले वुल्फ को मुझे लास्ट तक संभाल के रखना था, तो इसको मैं दूर की तरफ बुला के मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ। उसके बाद लकी ब्लॉक को माइन करने पे मुझे यहाँ से काफी सारे भर भर के डाइज मिल जाती है। आगे माइन करते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा जायंट ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाता है, जो की आते ही निकल लेता है, बट क्योंकि नीचे कमांड ब्लॉक था उसकी वजह से वो बच जाता है। सो मेरे पास एक हीरो ट्राइडेंट था जिस पर लॉयल्टी लगी हुई थी, तो उसकी हेल्प से मैं उसको नीचे की तरफ धक्का दे के मुक्ति दे देता हूँ। उसके बाद लकी ब्लॉक को माइन करने पे यहाँ से मुझे ऑब्सीडियन मिल जाते हैं, एंड तब तक मेरे पेड़ भी ग्रो हो जाते हैं, तो मैं यहाँ से कुछ लकड़ी को कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड उसकी हेल्प से एक चेस्ट क्राफ्ट करके मैं अपना सारा सामान चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। फिर लकी ब्लॉक को माइन करने पे यहाँ पे एक हीरो विलेजर स्पॉन हो जाता है, बट वो स्पॉन होते ही नीचे की तरफ गिर के मर जाता है। एंड ये हीरो विलेजर हमारे लिए इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वर्ल्ड में ये हमें काफी ओपी ओपी टूल्स एंड आर्मर दे सकता है, तो इसको हमें अगली बार बचाना पड़ेगा। एंड अब तक तो गाइस अपने साथ सब अच्छा ही हो रहा था। फिर लकी ब्लॉक को माइन करने पे यहाँ पे एक डब्बा सा स्पॉन हो जाता है, जिसके ऊपर एक लीवर लगी होती है, तो मुझे तो पता नहीं था कि ये क्या काम करता है, तो मैं लीवर को एक्टिवेट कर देता हूँ, एंड तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, यानी कि पनौती लगना शुरू हो चुकी है। एंड क्या पता कैसे भाई ये टीएनटी बेडरॉक के प्लेटफॉर्म को तोड़ देती है। ठीक है, शायद से बेडरॉक नल्ले क्वालिटी का होगा, तो मैं उसको ऑब्सिडियन की हेल्प से रिपेयर कर लेता हूँ। समझ गया। एंड तभी गाइस माइन करते करते मुझे एक लकी स्वॉर्ड मिल जाती है, जिसका लक 0 होता है, यानी कि इसकी हेल्प से हमारे साथ अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। एंड फिर गाइस माइन करते मुझे पे काफी अच्छी चीजें मिल जाती है, मुझे काफी सारे डायमंड, लैपिस, आयरन, गोल्ड, काफी सारी चीजें मिल जाती है। फिर यहाँ पे एक वेल आ जाता है, एंड मुझे पे कॉइन मिला था इसके अंदर डालने के लिए, बट यहाँ पे कोई जगह ही नहीं थी कॉइन को डालने की, सो मैं फिर से लकी ब्लॉक को माइन करने लग जाता हूँ, जिसमें से इस बार मुझे एक हेलमेट और एक बूट्स मिल जाते हैं। एंड अभी जस्ट मैंने प्लेटफॉर्म रिपेयर किया ही था कि नेक्स्ट गाइस लकी ब्लॉक को माइन करते ही मुझे एक डायमंड की हीरो पिकैक्स और एक हीरो शॉवेल मिल जाती है, जिसपे काफी अच्छी एन्चेंटमेंट थी। एंड क्योंकि मेरी पिकैक्स पे सिल्टर्स लगी हुई थी, तो मैं उसकी हेल्प से लकी ब्लॉक को ऑब्टेन कर पा रहा था। सो उसको प्लेस करके मैं जैसे ही माइन करता हूँ, यहाँ पे मेरा एक बच्चा I mean बेबी गोल्ड एज गेमिंग स्पॉन हो जाता है, जो कि सेम टू सेम मेरे जैसा ही दिख रहा था। सब बाप बेटे साथ में, तो सेल्फी लेना तो बनता है। एंड फाइनली एक बड़ा सा धमाका देखने को मिलता है। फिर लकी ब्लॉक को माइन करने पे मुझे कुछ लकी और अनलकी पोशन मिल जाते हैं, जिसमें से लकी पोशन में से मुझे कुछ इंचेंटेड बुक्स, काफी सारी इफेक्ट, काफी सारी एक्सपीज एंड और भी काफी सारी चीजें मिल जाती है। एंड फिर लकी ब्लॉक को माइन करने पे मुझे इस वर्ल्ड की सबसे काम की चीज, यानी कि काफी सारा वूल मिल जाता है, तो उसकी हेल्प से मैं एक बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड सीधा चले जाता हूँ सोने के लिए, जहाँ पे इस बार मुझे हीरो स्वॉर्ड मिल जाती है, वो भी काफी अच्छी इंचेंटमेंट के साथ। आगे मुझे एक इंचेंटमेंट टेबल मिल जाता है, एक डायमंड की हीरो लेगिंग्स और हीरो बूट्स मिल जाते हैं, और एकदम धमाकेदार स्टाइल में डायमंड का ब्लॉक मिलता है। उसके बाद लकी ब्लॉक को माइन करने पे मैं अचानक एक डेजर्ट टेंपल के अंदर आ जाता हूँ, जहाँ पे कुछ सबसे पहले गोल्ड के ब्लॉक मुझे मिलते हैं, तो मैं उनको कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ से मैं सबसे पहले मेन चीज सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड में अभी मेरे पास ब्लॉक्स की काफी ज्यादा कमी है। एंड अब बारी आ चुकी थी टेंपल के लकी ब्लॉक को माइन करने की, जहाँ पे पहले लकी ब्लॉक को माइन करने पे हमें यहाँ पे 144p वाले बाहुबली देखने को मिलते हैं। तो उनकी पूरी सेना को खत्म करके मैं यहाँ से काफी सारा खाना कलेक्ट कर लेता हूँ। आप क्यों रुके हो भाई, आप भी निकलो। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके। एंड उसके बाद मेरे कुछ और पेड़ ग्रो हो जाते हैं, तो मैं यहाँ से सारी लकड़ियों को कलेक्ट कर लेता हूँ।
एंड उन सारी लकड़ियों से कुछ स्लैब्स को क्राफ्ट करके मैं अपने एरिया को थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूँ ताकि हम आराम से रह सके एंड अपना डॉगी भी आराम से रह सके। एंड बाकी के भी बचे हुए लकी ब्लॉक को माइन करने पे मुझे यहाँ पे आयरन के ब्लॉक, कुछ वुडन के टूल्स, काफी सारे पोशंस एंड कुछ धमाके भी देखने को मिल जाते हैं। एंड इन धमाकों के चक्कर में भाई मुझे यहाँ पे 10 बार तो सिर्फ प्लेटफॉर्म को ही रिपेयर करना पड़ रहा है। नेक्स्ट मुझे रेडस्टोन का काफी सारा कूड़ा कचरा मिल जाता है एंड उसके बाद लकी ब्लॉक को माइन करने पे मुझे काफी सारे बुकशेल्फ एंड बुक्स मिल जाती है जिससे हम फ्यूचर में एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप कर सकते थे। आगे मुझे कुछ सिंपल से आयरन के टूल्स मिलते, काफी सारे फ्लावर एंड कुछ और एंडर पर्ल्स एंड आया फेंडर मिल जाते। फिर मुझे कुछ और लकी और अनलकी पोर्शन मिल जाते हैं जिनको मैं ट्राई कर देता हूँ। तो लकी में से तो मुझे काफी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है बट अनलकी के चक्कर में हमारा घोड़ा जल जाता है। सो हमारे घोड़े के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड ये अनलकी पोर्शन सही में काफी ज्यादा डेंजरस थे क्योंकि इसके अंदर से काफी सारी स्वॉर्ड निकल रही थी, काफी गंदे गंदे इफेक्ट निकल रहे थे जो कि हमें चुटकियों में मार सकते थे। फिर लकी ब्लॉक को माइन करने पे यहाँ पे एक बड़ा सा मैग्मा क्यूब स्पॉन हो जाता है जो कि आते ही निकल लेता है। आगे माइन करने पे मुझे काफी सारा पोशन बनाने का सामान मिल जाता है, काफी सारे ब्लेज रॉड, एंडर पर्ल एंड और भी काफी सारी चीजें मिलती है। एंड फिर मैं कुछ और चेस्ट को क्राफ्ट कर देता हूँ एंड अपना बचा हुआ सामान फिर से मैं चेस्ट के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। एंड फिर से यहाँ पे एक लकी ब्लॉक वाला डेजर्ट टेम्पल स्पॉन हो जाता है जहाँ से हमें कुछ फ्री के गोल्ड के ब्लॉक्स मिल जाते हैं। एंड फिर लकी ब्लॉक को माइन करने पे मुझे काफी सारा गोल्ड मिलता है, एकदम तड़कते फड़कते स्टाइल में आयरन का ब्लॉक मिल जाता है। एंड फिर से एक और एक बेबी गोल्डर्स गेमिंग स्पॉन हो जाता है। इसका काम क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं इसको मार रहा था तो यहाँ पे चिकन स्पॉन हो जा रहे थे एंड तभी अचानक से एक बड़ा सा धमाका हो जाता है, पता नहीं भाई क्या ही हो रहा है इस वर्ल्ड में। एंड लास्ट लकी ब्लॉक में से तो मुझे इस वर्ल्ड की सबसे रेयरेस्ट चीज मिल जाती है जो कि होती है एक स्टिक। भाई स्टिक भी लकी ब्लॉक में देने की होती है क्या? एंड फिर लकी ब्लॉक को माइन करने पे यहाँ पे एक सस्ता सा घोस्ट राइडर आ जाता है एंड भाई साहब एक काफी गंदा डैमेज हमें दे रहा था। भागने की एक तो जगह नहीं थी एंड साथ ही मेरे पास कोई बो नहीं था जिससे इसमें मैं अटैक कर सकूं, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छुप जाता हूँ। एंड जैसे ही वो रिस्पॉन हो जाता है मैं फिर से माइनिंग करने लग जाता हूँ, जहाँ पे माइन करने पे काफी सारी शिप स्पॉन हो जाती है एंड अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ के सब बाहर ही गिर जाती है। फिर लकी ब्लॉक को माइन करने पे मुझे एक नॉर्मल सा डायमंड का बूट्स और एक डायमंड की चेस्ट प्लेट मिल जाती है। एंड फिर से एक बड़ा सा मैग्मा क्यूब स्पॉन हो जाता है जिसके चक्कर में बची हुई हमारी 5 शिप भी नीचे गिर जाती है। भाई जब देना ही नहीं होता है तो देते क्यों हो यार। एंड तभी उदासी की हालत में मुझे एक बड़ी ऐसी हीरो चेस्ट प्लेट मिल जाती है जिसपे काफी तगड़ी एन्चेंटमेंट्स थी। आगे लकी ब्लॉक को माइन करने पे मुझे काफी सारे गोल्डन एप्पल एंड कुछ इंचेंटेड गोल्डन एप्पल्स मिल जाते हैं। एंड फिर गाइस मिल जाती है इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीज जिसके बिना तो हम प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते थे, यानी कि वाटर बकेट और लावा बकेट, क्योंकि इसके हेल्प से हम फाइनली एक कोबलस्टोन जनरेटर बिल्ड कर सकते थे और अपने वर्ल्ड में प्रोग्रेस कर सकते थे। एंड कुछ कुछ चीजें ना गाइस अपने लकी ब्लॉक से सड़क के नीचे गिर जा रही थी, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसके नीचे एक ब्लॉक प्लेस कर दूंगा सो नीचे नहीं गिरेगा। बट जैसे मैं पानी डाल के नीचे की तरफ जाता हूँ क्या पता कोई तो मुझे हिट करने लगता है। सो मैं साइड से एक बार जाके चेकआउट करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे एक किलर बनी था जो कि हमें काफी गंदा डैमेज कर रहा था एंड वो भी ऐसा वैसा गंदा डैमेज नहीं, भाई एक बार के लिए तो उसने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। मैं जैसे तैसे करके बच जाता हूँ एंड भाई वो इतना चुमू था कि वो खुद ही नीचे गिर के मर जाता है। एंड तभी मैं देखता हूँ नीचे की तरफ एक लकी चिकन थी बट उसका क्या काम था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड यहाँ पे एक हीरो विलेजर भी था जो कि हमें काफी बढ़िया बढ़िया हीरो आर्मर दे रहा था डायमंड्स के बदले। एंड तभी माइंड करने पे फिर से यहाँ पे एक वेल स्पॉन हो जाता है एंड इन लोगों ने फिर से मुझे कॉइन दिया था बट भाई साहब ये कॉइन डालना क्या मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं नीचे की तरफ तोड़फोड़ करके देखता हूँ एंड तभी मुझे पता चलता है कि नीचे की तरफ थे काफी सारे आयरन के ब्लॉक्स। तो मैं सोचता वेल तो गया भाई भाड़ में, हमको तो चाहिए आयरन के ब्लॉक्स। तो मैं नीचे जाके फटाफट से सारे आयरन के ब्लॉक्स को माइन कर लेता हूँ। फिर माइन करने पे यहाँ पे एक विच स्पॉन हो जाते हैं जिसके चक्कर में भाई अपने बेस पे काफी सारे चमगादड़ आ जाते हैं। फिर मुझे यहाँ पे एक डायमंड का ब्लॉक मिलता है, मैं उसको ले लेता हूँ। एंड फिर मुझे यहाँ पे एक और एक तड़कते फड़कते स्टाइल में एक और एक डायमंड का ब्लॉक मिल जाता है। एंड अच्छी कैसे माइनिंग में भाई बीच में तो ये सारी चीजें होती रहती है। एंड तभी फिर से आप एक वेल स्पॉन हो जाता है, इस बार इसके अंदर से हमें काफी अच्छी अच्छी लूट मिल जाती है, क्या पता कैसे बट मुझे काफी सारा गोल्ड डायमंड मिल जाता है। एंड फिर फाइनली आप एक हीरो विलेजर स्पॉन हो जाता है जो कि हमें काफी ओपी टूल्स, एविल पोशन, हीरो पोशन जैसी काफी तगड़ी तगड़ी चीजें दे रहा था। सो एविल पोशन तो मेरे पास ऑलरेडी था तो मैं एक हीरो पोशन को रख लेता हूँ। एंड आगे मुझे फिर से कुछ लावा और वाटर की बकेट मिलती है एंड फिर से आप एक डब्बा सा स्पॉन हो जाता है। एंड इस बार मुझे पता था कि इसमें क्या होने वाला है, इस विलेजर को मैंने हटाने की कोशिश करी थी बट भाई ये हटने का नाम नहीं ले रहा है तो फिर भुगतो। आगे मैं थोड़ी बहुत और पेड़ को चॉप कर लेता हूँ। फिर लकी ब्लॉक को माइन करने के बाद ग्लिच की वजह से मैं कुछ देख नहीं पाता हूँ एंड तभी अचानक से मेरे ऊपर लावा गिरना शुरू हो जाता है। एंड जैसे मैं अपना पर्सपेक्टिव चेंज करता हूँ मुझे पता चलता है कि ये लोग ने मुझे ट्रैप कर दिया था एक लावा वाले चेन के अंदर। मतलब मारना है तो भाई सीधे तरीके से मारो ना भाई, ये क्या तरीका है मारने का। एंड फिर से एक और लकी डेजर्ट टेम्पल स्पॉन हो जाता है। एंड उसके बाद अपने बेस के पास में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बिल्ड करने लग जाता हूँ एंड यहीं पे मैं कोबलस्टोन जनरेटर प्रिपेयर कर लेता हूँ क्योंकि अभी मुझे काफी सारे कोबलस्टोन की जरूरत थी ताकि हम इस वर्ल्ड में बढ़िया बढ़िया से बिल्ड कर सके एंड अपने वर्ल्ड को काफी ज्यादा खूबसूरत बना सके। कोबलस्टोन जनरेटर बन जाने के बाद मैं यहाँ पे AFK हो जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे कई दिनों तक काफी सारे कोबलस्टोन को माइन करने लग जाता हूँ ताकि हम आगे चल के बड़े बड़े बिल्ड्स को इजिली कर सके। कई दिनों तक काफी सारे कोबलस्टोन की माइनिंग करने के बाद मेरे पास इतने सारे कोबलस्टोन आ जाते हैं। एंड अभी मैं डिसाइड करता हूँ कि देखो अपना जो प्लेटफॉर्म है काफी ज्यादा छोटा सा है, सो मैं डिसाइड करता हूँ क्यों ना उसको बड़ा सा एक सर्कुलर सा राउंड प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो चलो फिर बिल्ड करते हैं।
एंड ये देखो गाइस फाइनली हमारा सर्कुलर सा बेस यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। बीच में रहा अपना लकी ब्लॉक जहाँ से हम इसे इजीली माइन कर सकते हैं। एंड अब अपना एरिया काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। एंड उसके बाद मैं फिर से लकी ब्लॉक को माइन करने लग जाता हूँ, जहाँ पे मुझे काफी सारे पोशंस मिल जाते हैं। एंड फिर यहाँ पे एक बड़ा सा ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाता है, तो उसके ऊपर मैं अपने लकी स्पॉट को टेस्ट करता हूँ। एंड इस स्पॉट के लिटरली काफी ज्यादा ओपी थी। ज़ॉम्बी को मारते मारते इसमें से अचानक से काफी सारे एरोज निकलने लग गए, जो कि ज़ॉम्बी को गिरा के ही माने। एंड फिर से यहाँ पे एक बक्सा सा स्पॉन हो जाता है, तो मुझे लगा फिर से टीएनटी होगा, बट इस बार ऐसा नहीं था। इसके अंदर काफी सारी हमें लूट मिल गई, काफी सारे डायमंड एंड गोल्ड मिल गए। एंड लकीली फिर से बक्सा आया एंड फिर से हमें लूट मिली, बट सारी लूट जाके नीचे गिर गई। तो ये जो लूट नीचे गिर रही थी, इसका मुझे जुगाड़ करना था, तो मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ। एंड नीचे पहुंच के मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करने लग जाता हूँ, ताकि अगर ऊपर का प्लेटफॉर्म ब्लास्ट होकर टूट भी जाए तो उसकी जितनी भी लूट हो वो नीचे वाले प्लेटफॉर्म में आके जमा हो जाए। एंड तभी गाइस मैं नोटिस करता हूँ अपने लकी वन ब्लॉक के नीचे एक बीकन था, तो मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसके बाद गाइस लकी ब्लॉक को माइन करने पे अचानक से हर तरफ अंधेरा छा जाता है। एंड यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाते हैं, ऐसा लग रहा था कि ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स हो चुका है। एंड मेरे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, मैं बड़ी मुश्किल से गैस जैसे तैसे करके बच जाता हूँ। एंड एक बार गैस इन सारे ज़ॉम्बीज को देखो, कितने सारे ज़ॉम्बीज है ये, तो मैं इनको मार देता हूँ। एंड उसके बाद मुझे एक आयरन का ब्लॉक मिलता है, फिर से एक और एक हीरो डायमंड की स्वॉर्ड मिल जाती है, लैपिस का ब्लॉक मिलता है, कुछ अंडरमैन के स्पॉन एग्स मिल जाते हैं, एंड फिर से कुछ धमाके देखने को मिल जाते हैं। एंड भाई मेरी आधी जिंदगी तो इन प्लेटफॉर्म को बार बार रिपेयर करने में ही निकल जाएगी। एंड तभी मुझे एक हीरो विलेजर मिल जाता है, एंड इसको मुझे कैसे भी करके सेव करके रखना था, तो इसको मैं बोट में बिठा के कॉर्नर में रख देता हूँ। एंड तभी मुझे यहाँ पे नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे एक लकी शिप नजर आती है, तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, शायद से इससे हमें कुछ मिल जाए। बट आधा घंटा वेट करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिलता है, तो मैं सोचता हूँ कि इसको मार के शायद से हमें कुछ मिल जाए, तो मैं इसको मार भी देता हूँ। बट भाई तब भी हमें कुछ नहीं मिलता है, किस बात की लकी हुई भाई ये। एंड फिर मुझे कुछ और लकी और अनलकी पोशंस मिल जाते हैं, जिसमें से मुझे काफी अच्छी अच्छी चीजें भी मिलती है, बट उसके चक्कर में मैं फिर से अपने बेस को फोड़ देता हूँ। एंड तभी मैं आराम से चीलों की माइनिंग कर ही रहा था कि तभी अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है। शिप से तो भाई साहब इनकी अलग ही मोहब्बत है, पहले तो देते हैं फिर वापस भी ले लेते हैं। एंड फिर गाइस यहाँ पे काफी सारे हॉर्सेस स्पॉन हो जाते हैं, जिसमें से मुझे एक हॉर्स पसंद आ जाता है, तो उसको मैं सैडल पहना देता हूँ। एंड बड़े प्यार से बाकी सारे हॉर्सेस को मार देता हूँ। एंड फिर लकी ब्लॉक को माइन करने पे यहाँ से मुझे एक ड्रैगन का एग मिल जाता है। भाई साहब अभी हमने ड्रैगन को हराया भी नहीं है और हमें ड्रैगन का एग मिल चुका है। एंड फिर से यहाँ पे एक ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स हो जाता है, तो मैं सारे ज़ॉम्बीज को मार देता हूँ। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी नेदर में जाने की, एंड अपने पास ऑब्सिडियन तो ऑलरेडी था, तो मैं फटाफट से एक पोर्टल को बिल्ड कर लेता हूँ। एंड अब इसको लाइट अप करने के लिए मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील तो था नहीं, तो मैं यहाँ पे लावा डाल देता हूँ। एंड उसके ऊपर मैं वुल को लगा देता हूँ, ताकि वो जल के हमारा पोर्टल एक्टिवेट हो जाए। एंड काफी देर वेट करने के बाद फाइनली हमारा पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है, सो मैं सीधा निकल जाता हूँ नेदर के लिए। नेदर में अपने स्पॉन के पास पहुंचते मुझे ऐसे काफी सारा ग्रेवल मिल जाता है, तो मैं ग्रेवल को कलेक्ट करने लग जाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास गिन चुन के दो तीन ही डर्ट थे, तो मैं इन ग्रेवल की हेल्प से कोर्स डर्ट क्राफ्ट कर सकता हूँ। एंड उसकी हेल्प से काफी सारे डर्ट क्राफ्ट कर सकता हूँ, सो मैं भर भर के यहाँ से सारे ग्रेवल को माइन कर लेता हूँ। एंड तभी मैं नोटिस करता हूँ कि नेदर के अंदर भी जो है अलग अलग स्पॉट पे लकी ब्लॉक लगे हुए थे, सो मैं उनको ट्राई करने के लिए जाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे फिर से एक लकी डेजर्ट टेम्पल आ जाता है, जिसको तोड़ने पे मुझे दो अच्छी चीजें और दो बुरी चीजें मिल जाती है। आगे कुछ और लकी ब्लॉक को तोड़ने पे मुझे एन्चेंटमेंट टेबल, एक लकी स्वॉर्ड और काफी सारे हेबल्स मिल जाते हैं। एंड फिर गाइस पास में मुझे यहाँ पे क्रिम्सन फॉरेस्ट मिल जाता है, तो मेरे पास ऑलरेडी लकड़ियों की काफी ज्यादा कमी थी, तो मैं यहाँ से काफी सारे लकड़ियों को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड और कुछ खास मुझे मिला नहीं था, तो मैं पोर्टल के जरिए वापस आ जाता हूँ। अपने बेस पे पहुंच के मैं यहाँ पे कुछ और चेस्ट को प्लेस कर देता हूँ, एंड अपने सारे सामान को चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। एंड अभी मैं सोचता हूँ शायद से मैंने इस वाले प्लेटफॉर्म को बिल्ड करके गलती कर दी है, क्योंकि भाई आधा टाइम तो यहाँ पे टीएनटी स्पॉन हो जाते हैं, इसके चक्कर में अपना बेस वैसे ही फूट जाता है, अपना बेस का लुक खराब हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इस वाले प्लेटफॉर्म को छोटा करके साइड में एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर देते, जो कि अपना मेन बेस होने वाला है। एंड साथ ही हम बाजू में ट्री फार्म भी बिल्ड करने वाले थे, ताकि हमें आगे चल के कभी भी लकड़ियों की कमी ना हो। बट उसके लिए अभी मेरे पास डर्ट की कमी थी, एंड मुझे काफी सारे डर्ट की जरूरत थी, तो मैं कुछ कोर्स डर्ट को क्राफ्ट कर लेता हूँ, एंड उसको हो करके मैं उन्हें डर्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड यही प्रोसेस को गाइस मैं कई दिनों तक कंटिन्यू रखता हूँ, ऐसे में काफी सारे कोर्स डर्ट को क्राफ्ट करते करते उन सबको डर्ट में कन्वर्ट करते रहता हूँ, जब तक मेरे पास इनफ डर्ट ना हो जाए। एंड जैसे मेरे पास इनफ चीजें हो जाती है, मैं अपना बिल्ड करना शुरू कर देता हूँ। एंड ये देखो गाइस फाइनली हमारा बिल्ड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपने लकी ब्लॉक वाले प्लेटफॉर्म को छोटा कर दिया, यहाँ पे बीच में मैंने एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर दिया, जो कि अपना मेन बेस होने वाला है। एंड इसके जस्ट सामने अपना प्यारा सा ट्री फार्म। एंड अभी कुछ और काम तो था नहीं, तो मैं फिर से लकी ब्लॉक को माइन करने लग जाता हूँ। एंड इस बार माइन करने पे मुझे लिटरली यहाँ पे एंड पोर्टल के फ्रेम्स मिल जाते हैं। एंड आगे मुझे कुछ और फ्लावर्स, इंचेंटेड बुक्स और एक हीरो विलेजर मिल जाता है। एंड तभी यहाँ पे फुली डायमंड का आर्मर पहन के बॉब स्पॉन हो जाता है। एंड ये सही में काफी ज्यादा पावरफुल था, इसे लड़ने में कई बार मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि इसका जो आर्मर था
काफी ज्यादा पावरफुल था एंड कई बार तो इसने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, बट जैसे तैसे करके मैं इसको मार देता हूँ। एंड सही में गाइस इसकी एन्चेंटमेंट देखो कितनी ज्यादा तगड़ी थी। अगले ब्लॉक को माइन करने पे यहाँ पे काफी सारे टेम कैट स्पॉन हो जाती है, सो उनको अपने पीछे भगाते हुए मैं उन्हें अपने बेड के पास लेके चले जाता हूँ एंड वहाँ पे मैं उन सबको बिठा देता हूँ। आगे माइनिंग करने पे यहाँ से मुझे कुछ एंडर चेस्ट मिल जाता है, एक बीकन मिल जाता है एंड थोड़ी बहुत और माइनिंग करने पे यहाँ से मुझे कुछ और एंड पोर्टल के फ्रेम्स मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट लकी ब्लॉक को माइन करने पे ये लोग मुझे एक ट्रैप के अंदर डाल देते हैं, जहाँ पे ये लोग मेरे सर के ऊपर एक एनविल छोड़ते हैं, बट उससे मैं कैसे भी करके बच जाता हूँ। बट इनका तभी भी मन नहीं भरता है तो ये लोग मुझे एक ऑब्सिडियन के ट्रैप के अंदर डाल देते हैं, बट उससे भी मैं जैसे तैसे करके बच जाता हूँ और बच के बाहर आ जाता हूँ। एंड गाइस अभी इतने सारे हमने ब्लॉक को माइन कर लिया कि अब अपने पास इतनी सारी लूट हो चुकी है, बट अब इसे रखने के लिए अपने पास कोई भी स्पेस नहीं है, मेरी सारी चेस्ट भर चुकी है। सो मैं डिसाइड करता हूँ क्यों ना एक बढ़िया सा स्टोरेज रूम बिल्ड किया जाए, जहाँ पे काफी सारे चेस्ट हो एंड हमें जितनी भी लूट मिले उसे हम इजीली स्टोर कर सके। तो चलो फिर देर किस बात की, एक बढ़िया सा स्टोरेज रूम भी बिल्ड करना शुरू कर देते। एंड ये देखो गाइस फाइनली हमारा प्यारा और खूबसूरत सा स्टोरेज रूम यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है, जो कि काफी सही लग रहा है। एंड इसके अंदर काफी सारे चेस्ट है, सो हम इसके अंदर इजीली काफी सारे सामान को स्टोर कर सकते थे। एंड तभी यहाँ पे फिर से एक और एक बॉब स्पॉन हो जाता है, जिसको मैं इजीली नीचे की तरफ धक्का देके गिरा देता हूँ। एंड तभी यहाँ पे फिर से एक वेल स्पॉन हो जाता है एंड अभी मुझे कैसे भी करके ढूंढना था कि ये वेल काम कैसे करता है। सो मुझे नीचे की तरफ एक प्रेशर प्लेट नजर आती है, जैसे मैं उसके ऊपर कॉइन फेंकता हूँ यहाँ पे भाई साहब हमारी लूट आ जाती है। एंड ऐसे गाइस माइंड करते करते फिर से अचानक से अंधेरा छा जाता है, अपने चारों तरफ से मॉब्स ही मॉब्स आ जाते हैं एंड मुझे कुछ नहीं समझ रहा था कि मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर, कहीं पे भी कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि अभी अपना वर्ल्ड खत्म होने वाला है। एंड ऐसे बचते बचाते मैं जैसे तैसे करके अपने स्टोरेज रूम के अंदर चले जाता हूँ, बट वहाँ पे भी स्पाइडर मेरा पीछा नहीं छोड़ते एंड इन लोगों ने मुझे ऑलमोस्ट हाफ हार्ट पे पहुंचा दिया था। एंड इनको मारने के चक्कर में मैं लिटरली दो कैट्स को भी मार देता हूँ एंड इन लोगों ने भाई सब सही में मेरा काफी ज्यादा दिमाग खराब कर दिया था। एंड यही नहीं कि इनके चक्कर में हमारे जो दो हीरो विलेजर थे वो भी एक जॉम्बी हीरो विलेजर बन चुके थे। एंड क्योंकि यहाँ पे जॉम्बी विलेजर थे तो मैं इनकी वजह से सो नहीं पा रहा था, तो मैं बेड को तोड़ देता हूँ, बट भाई साहब ये मेरा बेड को उठा ही लेता है। भाई नहीं सोने देने का है, बोल दे ये बेड चोरी करने का क्या तरीका है। सो उसके बाद मैं एक ब्रूइंग स्टैंड क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड उसकी हेल्प से मैं कुछ वीकनेस के पोशन क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद दोनों विलेजर को अलग अलग बोट में बिठा के मैं दोनों पे वीकनेस का पोशन छिड़क देता हूँ एंड दोनों को एक एक गोल्डन एप्पल दे देता हूँ। एंड काफी देर वेट करने के बाद फाइनली हमारा एक जॉम्बी विलेजर जो है नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट हो जाता है, बट भाई साहब इसको क्योर करने के बाद भी हमें जो है सस्ते में ट्रेड नहीं दे रहा था, ये अभी भी हमें सेम ही भाव में ट्रेड दे रहा था। बताओ इतनी मेहनत करने का क्या फायदा हुआ। एंड अभी गाइस काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, अभी मैं डिसाइड करता हूँ क्यों ना अपने लिए बढ़िया सा घर बनाया जाए, जिससे अपने बेस की रौनक भी बढ़ जाए, अपने पास एक खूबसूरत सा घर भी आ जाए। एंड ये घर गाइस मैंने अब तक जितने भी घर बनाए उन सारे घर में सबसे बेस्ट घर का डिजाइन होने वाला था। तो चलो फिर देर किस बात की, इसको भी बिल्ड करना शुरू कर देते। एंड ये देखो गाइस फाइनली हमारा प्यारा और खूबसूरत सा हाउस यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। गाइस ये डिजाइन देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, अपने बेस को कितना ज्यादा खूबसूरत बना रही है। गाइस आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड उसके बाद गाइस मैं अपने चेस्ट में से एन्चेंटमेंट टेबल, सारे बुक शेल्फ एंड मेरे पास जितने भी बुक्स थी जो कि मैं अपने अर्बन एंड टूल्स पे लगा सकता था, मैं उन सबको ले लेता हूँ एंड अपने ऊपर वाले कमरे में मैं एन्चेंटमेंट टेबल को सेटअप कर देता हूँ। एंड गाइस मैं नोटिस करता हूँ अपने आर्मर पे ऑलरेडी काफी तगड़ी तगड़ी एन्चेंटमेंट लगी हुई थी, इसमें कोई भी एन्चेंटमेंट की जरूरत ही नहीं थी। एंड अगर मैं देखूँ अपने विलेजर जो हमें आर्मर बेच रहा है उसे लाख गुना अच्छी एन्चेंटमेंट अपने आर्मर पे ऑलरेडी लगी हुई है, बट उसे रिपेयरिंग की जरूरत है। सो मेरे पास काफी सारे डायमंड तो ऑलरेडी थे, तो मैं फटाफट से अपने पूरे आर्मर को डायमंड की हेल्प से रिपेयर कर लेता हूँ एंड साथ ही अपने बचे हुए टूल्स को भी मैं रिपेयर कर लेता हूँ। एंड गाइस ये जो बो है वो मुझे मिली थी उस उड़ते हुए स्केलेटन से, जो कि टूटी हुई थी बट मैंने उसको रिपेयर कर लिया। एंड इसी के साथ अब अपने पास एक तगड़ा फुली एन्चेंटेड डायमंड का आर्मर भी आ चुका था। एंड उसके बाद गाइस मैं कुछ और देर तक लकी ब्लॉक को माइन करता, जिसमें से मुझे डायमंड की पिकैक्स, कुछ मॉब के हेड मिलते हैं, गोल्डन एप्पल्स मिलते हैं, एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल्स भी मिलते हैं, काफी सारे पोशंस मिलते हैं, फ्लावर मिलते हैं, हीरो विलेजर तक मिल जाते हैं। एंड ऐसे गाइस माइन करते करते तभी अचानक से अपने बेस पे घास स्पॉन हो जाती है एंड उसके फायर चार्ज की हेल्प से अपना बेस जलने लग जाता है, बट उसको मैं जैसे तैसे करके रोक देता हूं। एंड फिर यहाँ पे एक वेल आ जाता है एंड उसके बाद यहाँ पे एक बॉब स्पॉन हो जाता है, जिसकी प्रेशर प्लेट पे खड़े रहने की वजह से हमें काफी सारे गोल्ड, डायमंड एंड एमराल्ड मिल जाते हैं। एंड उसके बाद ये लोग मुझे फिर से वही एनविल वाले ट्रैप में फंसा देते हैं, बट इस बार बचने के लिए मेरे पास कोई भी ब्लॉक ही नहीं थे, वो तो अच्छा वो मेरे पास हीरो आर्मर था तो मैं बच गया। एंड फिर यहाँ पे कुछ और डॉग्स भी स्पॉन हो जाते हैं, तो उन सबको मैं अपने घर के अंदर लेके जाके बिठा देता हूँ। एंड तभी गाइस मुझे कुछ और एंड पोर्टल के फ्रेम्स मिल जाते हैं एंड अब मेरे पास टोटल 14 एंड पोर्टल के फ्रेम्स हो चुके थे, यानी कि अब हम फाइनली ड्रैगन को हराने जा सकते थे। तो मैं फटाफट से अपने एंड पोर्टल को बिल्ड कर लेता हूँ।
एंड उसके बाद सारी आई फेंडर को लगा कि मैं कर लेता हूँ पोर्टल को एक्टिवेट एंड सीधे चले जाता हूँ ड्रैगन को हराने के लिए। एंड उसके बाद इंचेंटेड गोल्डन एप्पल खा के मैं ड्रैगन को पीटना शुरू कर देता हूँ। ड्रैगन को पीटने के बाद गैस मैं आ जाता हूँ नेदर में इन क्रिम्सन वाले ब्लॉक्स को कलेक्ट करने के लिए। एंड क्योंकि मेरे पिकैक्स पे लगी हुई थी सील टेस्ट, तो मैं इन क्रिम्सन वाले ब्लॉक्स को कलेक्ट कर पा रहा था। एंड इनको मैं इसलिए कलेक्ट कर रहा था क्योंकि मुझे अपने वर्ल्ड में बिल्ड करने थे को नेदर के बायोम्स, ताकि अपना वर्ल्ड और भी ज्यादा खूबसूरत दिख सके। तो क्रिम्सन वाले ब्लॉक को कलेक्ट करने के साथ ही मैं वाफ फॉरेस्ट वाले ब्लॉक को भी कलेक्ट कर रहा था। एंड इनफ रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद मैं फाइनली नेदर बायोम्स को बिल्ड करना शुरू कर देता हूँ। एंड ऐसे कहते अपना आर्मर ऑलरेडी पावरफुल था, बट मुझे इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाना था। सो मैं आ गया था नेदर में नेथराइट की माइनिंग करने के लिए, ताकि मैं अपने पूरा आर्मर एंड टूल्स को नेथराइट में कन्वर्ट कर सकूं। एंड नेदर में काफी ज्यादा डीप जाके मैं फटाफट से अपने नेथराइट की माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ। काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस माइंड करने के बाद मैं उन्हें स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। एंड मेरी पिकेक्स टूट चुकी थी, सो मैं एक नई पिकेक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड उसे मैं इंचेंट करने का ट्राई करता हूँ। बट बार बार मुझे बेकार सी इंचेंटमेंट मिल रही थी एंड कई बार ट्राई करने के बाद फाइनली एक ढंग की इंचेंटमेंट मिल जाती। एंड उसके बाद कुछ नेथरेट के इंगट क्राफ्ट करके मैं फटाफट से अपने पूरा आर्मर एंड टूल को नेथरेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड इसी के साथ गाइस अब अपने पास एक फुली नेथरेट का आर्मर भी आ चुका था। एंड अभी गाइस अपने वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 100 डेज कंप्लीट होने ही वाले थे, बट मुझे एक बिल्ड करना था अभी भी, जो कि मुझे शुरू से बिल्ड करना था, जो कि था एक लकी ब्लॉक वाला डेजर्ट टेम्पल, जिसके लिए मुझे काफी सारे लकी ब्लॉक की जरूरत थी। एंड लकीली अपने पिकेक्स पे हमें सील टच फिर से मिल चुकी थी। सो मैं यहाँ पे एएफके करके काफी सारे लकी ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड जैसे मेरे पास इनफ लकी ब्लॉक्स आ जाते हैं, सो मैं फटाफट से अपने लिए लकी ब्लॉक वाला डेजर्ट टेम्पल बिल्ड करना शुरू कर देता हूँ। एंड ये देखो गाइस फाइनली हमारा लकी ब्लॉक वाला डेजर्ट टेम्पल बनके रेडी हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। इतना मैंने उम्मीद भी नहीं किया था कि इतना सही बनेगा, बट ये काफी ज्यादा ओपी लग रहा है। आप लोग गाइस मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा। एंड अब गाइस बारी थी बीकन को एक्टिवेट करने की। एंड मैंने बीकन के लेयर्स इसके अंदर ही बिल्ड कर लिए थे, सो मैं बीकन को लगा देता हूं। एंड जैसे कि जो बीकन एक्टिवेट होता है, इसकी जो लाइट होती है वो अपने डेजर्ट टेम्पल के बीच में सेंटर में से निकलती है, जो कि काफी ज्यादा सही लगता है। एंड इसी के साथ गाइस देखते देखते हमारे 100 डेज भी कंप्लीट हो जाते हैं। सो उम्मीद करते हैं गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो पे गाइस मैं एम करता हूँ 8000 लाइक्स का, मुझे होप है आप इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दोगे। एंड अभी तक गाइस आपने हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।